हेलो स्टूडेंट, दिस इज आलम, वेलकम इन साइंस सिरा। माय डियर स्टूडेंट, अगेन आई डिस्कस द शॉर्ट आंसर ऑफ एनसीईआरटी पेज नंबर 105 एंड 113। मीन्स टू से दैट इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द शॉर्ट आंसर एंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ टॉपिक रेस्पिरेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। बात समझ में तो आ गई होगी आप लोगों को कि लाइफ प्रोसेस में जिन रेस्पिरेशन है उसका शॉर्ट आंसर लेकर मैं आया हूँ। मैं और क्योंकि आप मुझे पता है कि स्कूल में बच्चों को जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, क्वेश्चन के साथ आंसर दिए जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों का उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। मैं सॉल्यूशन मीन्स कि आपके सामने जो अभी आंसर आएंगे ये आंसर नहीं, बल्कि मैं आंसर आपको दूंगा। कौन सा आंसर? जो आप खुद से बनाना चाहते हैं। मीन्स मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ मैं कि हाँ भैया आप जो है मेरे वीडियो को देखिए, मेरा वीडियो बहुत अच्छा बना है। नहीं नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं। मैं वीडियो लेकर इसलिए आया हूँ ताकि मेरा हर बच्चा जो है, जो भी मेरे वीडियो या मेरे से लिंक है, वो सब को क्वेश्चन का आंसर लिखने खुद ब खुद आए। ठीक है, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पेज नंबर 105 में जो क्वेश्चन 1 से 4 तक होगा और पेज नंबर 11 जो 3 है उसमें 8, 9, 10 जो है वो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 105 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, व्हाट आर द एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, मीन्स टू से दैट कि जो एक्वाटिक एनिमल से उसका प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और उसी से रिलेटेड जो है लैंड एनिमल्स मीन्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से जो है उसका प्रिपरेशन जो है कैसे होता है। मैं आपको बता दूं, एक्वाटिक इससे और भी क्वेश्चन आएंगे कि आपका एक्वाटिक एनिमल्स का जो ब्रीदिंग रेट फास्टर क्यों होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल का स्लो क्यों होता है, मतलब हम लोग धीरे धीरे सांस क्यों लेते हैं, मछलियाँ जो है जो जमीन में पानी में जो रहती हैं वो जल्दी जल्दी क्यों ब्रीदिंग करते हैं, ये सब इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे करना है। पहला बात पॉइंट करना है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो सांस जली जली इसलिए लेते हैं क्योंकि पानी में ऑक्सीजन लेस सॉल्युबल देन कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए उनको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को लेना पड़ता है क्योंकि वो जल्दी जल्दी वाटर को क्या करेंगे, अपने बॉडी में अपने माउथ से लेकर गिल माउथ से लेना है और गिल से बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या मैंने बोला कि ऑक्सीजन लेस सॉल्युबल इन वाटर है। दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि उसको जल्दी जल्दी जो है क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन को इनहेल करना पड़ता है, या बोले तो हमको पानी को लेना पड़ता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को गैदर कर सके। ऑन द अदर हैंड जो है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है उसके पास ऑक्सीजन बहुत सारा अवेलेबल है, इसलिए उसे आराम से लेना पड़ता है। ये हो गया पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू की बात कर सकते हैं कि फिश में जो है लंग्स नहीं होते हैं, वो गिल्स रेस्पिरेशन या ब्रांचियल रेस्पिरेशन करते हैं, जबकि एनिमल्स में जो एक्वाटिक नहीं होकर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है ना, और अगर और पॉइंट ऐड करना उसमें तो पॉइंट थर्ड नंबर ऐड कर लीजिए कि वो माउथ से सांस लेते हैं, मतलब वो माउथ से वाटर को लेते हैं और वो गिल्स से पास होता है और गिल्स से एब्जॉर्ब होते हैं, जबकि हम लोग जो है नोज से नेसल पैसेज से लेते हैं और वो लंग्स तक चले जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। बात यहाँ पे पटा मीन्स आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया, यहाँ पे पता चल गया आपको कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो स्लो सांस क्यों लेते हैं और जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं। पॉइंट नंबर टू की तरफ चलते हैं हम लोग। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, मीन्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज किस किस तरह से ऑक्सीडाइज होते हैं, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोगों के एनसीईआरटी में पेज नंबर 1023 के आसपास में एक चार्ट दिया होगा आप लोगों का, जो है ग्लूकोज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे होते हैं, वो किस किस तरह से फूड को ब्रोकन डाउन करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये मैं वीडियो में बता रखा, फिर से मैं बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा, ग्लूकोज फर्स्टली जो है साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं पाइरूवेट में। ये सारे ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जो एरोबिक करते वो भी और जो एनएरोबिक करते वो भी, दोनों चीज समझ लीजिए। ग्लूकोज इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इन पाइरूवेट बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, याद रखना। और ये सब कहाँ पे होंगे, साइटोप्लाज्म में, चाहे वो एनिमल्स जो है स्मॉल एनिमल्स मीन्स यूकार्योटिक हो प्रोकार्योटिक हो, सबके साथ सेम कंडीशन है। कंडीशन नंबर टू, अगर वो एरबिक मतलब कि हम लोग जैसे एनिमल्स है, अगर हम लोग जैसे मीन्स एक होलोजोइक म्यूटेशन करने वाले एनिमल्स है उसके जो है
ऑक्सीजन सेल में अगर जाते हैं तो वो ऑक्सीजन डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, तब ही जो है पायरुवेट या पायरिक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेंगे। समझ में आ गया बात ना? और फिर वो कार्बोहाइड्रेट मीन्स पायरुवेट जब फुल्ली जो है कन्वर्ट हो जाएंगे पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड 38 एटीपी, मतलब कि पहला जो पायरुवेट है वहां पे सिर्फ 2 एटीपी रिलीज होगा और जो कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से जो टूट जाएंगे वो तो 36 एटीपी, मतलब ओवरऑल 38 एटीपी रिलीज होगा। किसमें? एरोबिक में, जो आपके रिएक्शंस को जो नीचे वाला जो पॉइंट जो दिख रहा है आपको ना उसमें आपको मिलेगी। पॉइंट नंबर 2 में मिड में आ जाता हूं मैं, ये किस पे लागू होता है? ये लागू होता है मसल्स में, मतलब कि मसल्स क्रैम्प, मसल्स फैटिक या हेवी एक्सरसाइज, ये सारे क्वेश्चंस आपको आएगा, मैं दिखाऊंगा पढ़ूंगा, है ना। तो उसमें क्या होता है माय डियर कि पायरुवेट जो है वो डायरेक्टली लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मसल्स में ऑक्सीजन नहीं आ पाते, ठीक है, और सिर्फ मात्र 2 एटीपी रिलीज होते हैं, इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होते। अब पॉइंट नंबर 3, ये जो मैं अभी आपको सेकंड नंबर पॉइंट बताया ये भी एनएरोबिक है, और पॉइंट नंबर 3 जो है ये एनएरोबिक भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी फिर से वही बात बताऊं मैं कि पायरुवेट जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? इथेनॉल में, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं और 2 एटीपी यहाँ पे रिलीज होता है। लेकिन अगर ग्लूकोज इथेनॉल बनाता है कौन? ईस्ट, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन। याद रखिएगा इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन, ठीक है। अगर आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ जाए एरोबिक के बारे में तो ग्लूकोज पायरुवेट और नीचे वाला पूरा आप लिख देना तो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको मसल्स क्रैम्प के बारे में बोल दिया जाए तो पूरा ग्लूकोज से लेकर लैक्टिक एसिड तक लिख देना एनर्जी के साथ तो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको बोल दिया जाए फर्मेंटेशन तो ग्लूकोज लिखकर पायरुवेट करके लास्ट तक अगर आप लिख देते हैं तो भी आपका आंसर पूरा हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर 3। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग? ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक और जो बहुत ज़्यादा मीन्स टेंशन देने वाला टॉपिक भी है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें लिखना कैसे आपको। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सवाल हो रहा है कि O2 CO2 जो है एक्सचेंज कैसे होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, व्हेन वी इनहेल, जब सांस लेते हैं तो सांस लेंगे कहाँ से लेंगे? लंग्स के थ्रू। लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट, जो आगे क्वेश्चन आने वाला ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे एल्वियोली प्रेजेंट और एल्वियोली के इनर वॉल में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं जिसमें जो है ऑक्सीजन एंटर कर जाते हैं क्योंकि वहां पर डिफ्यूजन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आउट हो जाते हैं, ठीक है। यहां से समझ में आ गया, व्हेन ऑक्सीजन एंटर इनसाइड द ब्लड कैपिलरीज देयर प्रेजेंट द ब्लड एंड ब्लड हैज द आरबीसी और आरबीसी हैज नो न्यूक्लियस स्पेशली देयर द साइटोप्लाज्म व्हिच हैज द स्पेशल प्रोटीन दैट्स नेम इज द हीमोग्लोबिन। याद रखना उसका नाम होगा हीमोग्लोबिन। और माय डियर स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को क्या करेंगे? ग्रिप कर लेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्सीहीमोग्लोबिन में, ठीक है। और ये कितने परसेंट होंगे? अप्रोक्सीमेटली 92 से 97% तक ये रहेंगे, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेंगे? ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा और कहाँ चला जाएगा माय डियर? हम लोगों के हर एक सेल्स में, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये हमारे सेल्स में चले जाएंगे और सेल्स में जाने के बाद फिर वो क्या होंगे? फिर से डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, मीन्स ब्लड से बहुत सारा ऑक्सीजन पीछे मिलियंस ऑफ ऑक्सीजन हर एक सेल्स में जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन ब्लड सेल्स में बहुत ज़्यादा परसेंटेज होंगे तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स सेल के अंदर। पॉइंट समझ में आ गया बात? पहला बात क्या हो गया कि एल्वियोली में एब्जॉर्प्शन हुआ और वहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को गैदर कर लिया और ऑक्सीहीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो गया, इट विल ट्रांसपोर्ट टू द सेल्स, ठीक है ना। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया बात? अब आ जाते हैं, ऑन द अदर हैंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड या ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, इट विल डिफ्यूज आउट फ्रॉम द सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और फिर ये आकर प्लाज्मा में, मीन्स क्योंकि हम लोगों को पता है ब्लड में 2 सेक्शन से, एक आरबीसी का सेक्शन से और एक प्लाज्मा का सेक्शन से, जबकि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इस ट्रांसपोर्टेशन में कोई हेल्प नहीं करता, ठीक, उसका अलग फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में जो है ज्यादा मात्रा में, बोले तो 70% तक में एब्जॉर्ब होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा में 90% वाटर होते हैं। हम लोग जस्ट अभी हम लोग पढ़े थे पहला क्वेश्चन में कि कार्बन डाइऑक्साइड इजिली सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये पानी में जो है 70% घुल जाते हैं और जो 30% जो है वो
ऑक्सीजन जो मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन और कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बना लेते हैं, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर और हीमोग्लोबिन दोनों ले आकर फिर से कहाँ पे लेके आ जाएंगे, किसमें लेके आ जाएंगे, आपके एल्वियोल में, और वहां पे आके फिर से डिफ्यूज आउट करेंगे। समझ में आ गया बात। दिस इज द प्रोसेस फ्रॉम हियर एन एनिमल्स ट्रांसपोर्टेड O2 एंड CO2 इनसाइड द बॉडी। नाउ लेट द क्वेश्चन नंबर मीन्स 4। How are the lungs designed in human being to maximize the area for exchange of gases? My dear student, कि हम लोगों का lungs, जैसे मैंने जस्ट इसके पहले वाले पेज में मैंने बता रखा कि lungs किस तरह से maximize, क्योंकि lungs के अंदर ऐसा क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता दूँ आज की बात। जैसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़े थे पिछले न्यूट्रिशन में, उसी तरह से यहाँ पे है कि लंग्स के अंदर जो है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट है, जो लंग्स का स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। और इस एल्वियोली के जस्ट आउटर में क्या होते हैं, उसके इनर वॉल में क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, और यही वो जगह है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि एल्वियोली में कैसे होता है, व्हेन वी इनहेल, जैसे हम लोग सांस लेते तो क्या होता है, नेसल पैसेज होते हुए ट्रैकिया से ब्रोंकाइटिस होते हुए क्या हो जाते हैं, एल्वियोली में आ जाते हैं, जिसकी बिना पर हम लोग रीढ़ के जो आप होता है और डायफ्राम नीचे चले जाते हैं और बहुत सारे ऑक्सीजन हमारे लंग्स में भर जाते हैं, और इस जगह पे क्या होते हैं, ऑक्सीजन इन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है, और इसी तरह से हमारा लंग्स जो है पूरी तरह डिजाइन हो गया है जिसके बिना पे हम लोग जो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो आंसर आपको बहुत लंबा दिख रहा है, इसको आप शॉर्टली लिख सकते हैं। बस फिर से मैं आपको बता दूँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द ब्लड कैपिलरीज दैट सराउंडेड द एल्वियोली, एंड एल्वियोली मींस एल्वियोली प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स, मिलियंस मिलियंस एल्वियोली प्रेजेंट है जो साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे, ठीक है ना। तो मतलब कि आप लोग जो है ज़्यादा लंबा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हार्डली 3 पॉइंट या 4 पॉइंट हार्डली लिख सकते हैं आप लोग, तो भाषण जो बहुत सारा भाषण है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस 2 से 3 पॉइंट ही लिखना है। नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर, फिर से हम चलते हैं हम लोग कहाँ पे, पेज नंबर 113 जो आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है, और क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन माय डियर। तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं ना जस्ट वो जो पैसेज वाला जो था, मीन्स जो 3 एरो जो दिया हुआ था, जो हम लोगों के पेज नंबर 102-103 में प्रेजेंट ऑलरेडी होंगे, ठीक है, वहाँ पर देख लीजिएगा। तो उसी तरह के यहाँ पे एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन उसी तरह से, चलिए मैं इसका डिफरेंस, क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंस लिखा हुआ है, तो एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है, और एनएरोबिक में पॉइंट को उंगली में फिंगर में याद कर लो आप जल्दी से, एरोबिक में जो है क्या होते हैं भाई कि ऑक्सीजन प्रेजेंस होते हैं और एनएरोबिक में जो ऑक्सीजन एब्सेंस होते हैं। और यहाँ पे बात करेंगे जो है एरोबिक की बात कर लेते हैं, जो है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होंगे, जबकि एनएरोबिक में जो केवल और केवल जो है साइटोप्लाज्म होंगे। और फिर तीसरा पॉइंट करेंगे, एरोबिक की बात करेंगे, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जबकि एनएरोबिक में जो केवल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं और अल्कोहल रिलीज होते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चौथा नंबर पॉइंट जो हमारी है वो ये है कि एरोबिक में 38 ATP रिलीज होते हैं ना, लेकिन जबकि जो एनएरोबिक में ओनली 2 ATP रिलीज होते हैं। समझ में आ गया बात आप लोगों को। तो ऐसे बहुत सारा पॉइंट है, आपको 3 पॉइंट अगर 2 मार्क्स का, क्योंकि बेसिकली डिफरेंस जितने भी एनसीईआरटी क्या है वो उसमें 2 मार्क्स के होंगे, और 2 मार्क्स में 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट हार्डली आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, कोई भी 3 पॉइंट आप उठा सकते हैं आप, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, हाउ आर द एल्वियोली डिजाइन टू मैक्सिमाइज ऑक्सीजन गैसेस। वहाँ पे देखो, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था कि लंग्स कैसे डिजाइन है फॉर द एब्जॉर्प्शन गैसेस, यहाँ पे हो रहा है कि एल्वियोली के डिजाइन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट को आपको मैं आपको बता दूँ। पॉइंट नंबर पहला, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट है, इसके वॉल में मिलियन मीन्स ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में हेल्प करते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो है, ये लार्ज अमाउंट में 300 to 350 मिलियन मीन्स लगभग 700 मिलियन जो दोनों लंग्स राइट एंड लेग मीन्स लेफ्ट लंग्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। और पॉइंट नंबर 4, इसका सरफेस एरिया जो है पर एल्वियोली जो है 80 मीटर स्क्वायर एरिया, मतलब कि
सॉरी पूरा एल्वियोलर एरिया जो 80 मीटर स्क्वायर जो पड़ता है, जो पूरे एल्वियोली को अगर एक्सपेंड कर दिया जाए तो ये मीटर एरिया जो बहुत बड़ा हो जाएगा। दिस इज लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब ये यहाँ पे ये कि अगर लंग्स को एक्सपेंड कर दिया जाए, एल्वियोली को एक्सपेंड कर दिया जाए तो 80 मीटर मतलब कि 200 मीटर को छोड़कर लगभग कितना हो जाएगा 100 मीटर। समझ में आ रही बात ना? मतलब 80 मीटर स्क्वायर जो है, मीटर स्क्वायर समझ लीजिए कितना लंबा हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि एक मीटर का 3.34 फीट होता है, मतलब 3 फीट ही ले लो तो 80 फीट अगर बात कर ले, 80 मीटर की बात कर ले तो 8 24 मतलब लगभग 240 फीट। समझ लीजिए कितना ऊंचा हो जाएगा, इतना ऊंचा जो है समझ लीजिए इतना एरिया में जो फैल जाएगा क्या हम लोगों का एल्वियोली। तो ये बहुत ज़्यादा एरिया होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट नंबर वन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर वन एल्वियोली बैलिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। पॉइंट नंबर टू, इसके आउटर मेम्ब्रेन में जो है ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। पॉइंट नंबर थ्री जो है लंग्स में कंटेन दोनों को मिला के लेफ्ट एंड राइट लंग्स में जो होते हैं कितने होते हैं 700 मिलियंस होते हैं। पॉइंट नंबर टू, इसका जो एरिया होता है 80 मीटर स्क्वायर एरिया होता है पूरे लंग्स में एल्वियोलर एरिया, और ये एरिया जो है पूरे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर 10। What would be the consequence of deficiency of hemoglobin in our body? कि अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, सोच रहे हैं ना ये हीमोग्लोबिन जो बहुत से बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, जबकि NCERT क्वेश्चन है कि अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो क्या होगा। एक बात मैं आपको बता दूँ, ये बहुत पहले की बात है कि पहले जो है क्या किया जाता था, पहले से ब्लड में RBC काउंटिंग होते थे, ठीक है ना, RBC कितना काउंट। अब जो हो रहा है RBC के अंदर हीमोग्लोबिन का काउंटिंग होना शुरू हो गया, मतलब कि हीमोग्लोबिन कमी नहीं होना चाहिए। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक प्रोटीन है जो बना हुआ है हीम से, और हीम के अंदर प्रेजेंट होते हैं आयरन। इसलिए जो भी महिला या जो भी जेंट्स जिनका भी ब्लड में मिस या बॉडी में जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है, आयरन की गोली खाने की मेडिसिन, आयरन वाला मेडिसिन। और नहीं तो अगर ग्रीन वेजिटेबल्स अगर जितना खाते हैं, पालक साग या और भी जितने भी जो है, या फिर अगर गाजर मूली अगर ये सब लेते रहते हैं, है ना, या चना अगर कच्चा चना खाते हैं आप लोग, तो आपको आयरन का ज़्यादा मात्रा मिलेगा, और आयरन से बनता है हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसलिए हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन के आंसर का, माय डियर स्टूडेंट, कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो उस ह्यूमन बींग को जो एक डिजीज होगा, इसका नाम होगा एनीमिया। क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, पहला पॉइंट, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में क्या होगा, सहमत नहीं होंगे, और जिसके बिना पे क्या होगा, हमारे सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, फिर से मसल्स क्रैम्प होंगे, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा, और इसलिए उस आदमी को जिसके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होगी उसके बॉडी में क्या होंगे, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे उसके बॉडी में मसल्स क्रैम्प होगा, बदन बहुत ज़्यादा दर्द होगा। देखे होंगे आप, जब अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, या किसी जगह पर आप सोए हुए हैं तो वहाँ ऑक्सीजन कमी हो गई, तो उस दिन जो है आपको उठते हो तो बदन हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल वहां पे क्या हो गया था, कम हो गया। जिस जगह पे ऑक्सीजन की कमी होगी उस जगह पे जो भी आदमी सोएगा उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसके बिना पे आपका बॉडी के अंदर क्या होंगे, ATP ना बन के लैक्टिक एसिड बन जाएगा, जिसके बिना पे बदन हाथ बहुत ज़्यादा दर्द होगा। माय डियर स्टूडेंट, मैंने NCERT का लगभग 4 और 3 7 क्वेश्चन समझा दिया, मैंने तरीका भी मैंने बता दिया कि आप किस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो, जो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन होंगे जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आते अगले वीडियो लेकर जो एग्जाम्पलर के ऊपर होगा, फिर उसके बाद कुछ एडिशनल क्वेश्चन रखूंगा मैं आप लोगों को, जो क्वेश्चन मैं तो दे रखूंगा आपको वहाँ से। अब मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों का जितना ज़्यादा हेल्प मिले, क्वेश्चन का आंसर मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको आंसर लिखने हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।